हेलो एवरी वन हावी यू ऑल टुडे वीर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर ग्रामर थिएटर और जैसी बुक ऑफ क्लास सिक्स आज हमारे टॉपिक का नाम है नरेटिव राइटिंग राइट नरेटिव राइटिंग क्या होती है जो भी पर्सन आपको पता होगा किसी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है उसके बारे में बताता है या उसे रिसाइट करता है स्टोरी को उसे हम नरेटर बोलते हैं ठीक है तो नरेटिव राइटिंग में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे नेरेटिव राइटिंग इज अ स्टोरी अबाउट अ एक्सपीरियंस इन अ पर्सनस लाइफ इट कंटेन्स स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द इंसीडेंट नरेटिव में नरेट फैक्चुअल इमेजिनेटिव एंड मॉरल स्टोरीज तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेटिव फॉर्म वो होती है जब हम किसी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जब हम किसी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे किसी के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ठीक है पर रियल लाइफ से मेरा मतलब क्या है कि वो रियल लाइफ राइटिंग जब आप लिखें उसकी मतलब जब आप उसको लिखें तो वो ऐसा लगे कि वो रियल लाइफ है बाकी इट कैन बी फैक्चुअल इट कैन बी इमेजिनेटिव ऑल्सो और मॉरल स्टोरीज भी दे सकते तो ये सब हमारा नरेटिव राइटिंग के अंदर आता है द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड बाई राइटिंग और नरेटिंग स्टोरीज सबसे पहले आपको एक आउटलाइन ऑफ थॉट्स बनाना है जो जो आपको अपनी स्टोरी में लिखना है आपको सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन पता होनी चाहिए कि आपको क्या, क्या 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 डालना है उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिए बिकॉज अगर आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे तो इट्स इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जस्ट मेक अ आउटलाइन मेक अ मैप कि आपको कैसे कैसे स्टोरी में प्रोसीड करना है अवॉइड अबर आप बिगिनिंग एकदम से बिगिन मत करो राइट right. थोड़ा पहले जस्ट दो कि कब हुआ ये स्टोरी सेटअप कहाँ हुई थर्ड पॉइंट यूज सिंपल एंड एलिजिबल वर्ड्स इसका मतलब क्या है कि सिंपल वर्ड्स यूज करो अपनी स्टोरी में राइट right. और ऐसे वर्ड्स यूज करो जो ईजिली अंडरस्टैंड हो पाए नेक्स्ट नेवर यूज़ डिग्रेस इन शॉर्ट स्टोरीज राइट डो नॉट यूज़ एम्बिगस सेंटेंसेस ठीक है इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें मत यूज़ करो स्टोरी के अंदर जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगे थोड़ी बहुत रियल लगनी चाहिए चीज़ें कि कोई पढ़े तो उसे जेनुनली फील हो कि यस मे बी दिस कैन बी ट्रू हो सकता है ये हुआ हो राइट अवॉइड फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज मत यूज़ करो कि सामने वाले जो रीड कर रहा है उसे फिगर आउट करना पड़े उसे गैसेंस लगाने पड़े कि ये कौन था स्टोरी में या इसका क्या रोल uh, प्ले था आप अपनी स्टोरी को बहुत डायरेक्ट लिखेंगे एंड सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे नेक्स्ट फॉलो सिंपल नेचुरल स्टाइल सिंपल स्टाइल के साथ लिखेंगे कि आप सारी देते चल रहे हैं इन अ वेरी प्रॉपर मैनर इनपल मैनर नाउट द इंसिडेंट इनोलॉजिकल ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको सारे इंसिडेंट्स को नरेट करना है ठीक है Do not introduce innumerable characters. Right, very important. इतने सारे characters मत introduce करो कि जो read कर रहा है वो confused हो जाए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। So एक proper number होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे characters को story के अंदर मत ले के आइए। Develop a single thought. Avoid unnecessary details. Avoid unnecessary details का मतलब क्या है कि सारी डिटेल्स दीजिए जो इंपॉर्टेंट है बट जो अनेसरीली डिटेल्स है फॉर एग्जाम्पल क्या लाइक like, uh, जो मैन है द मेन पर्सन ऑफ द स्टोरी राइट फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग हिम कि ही हैज ब्राउन हेयर तुम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ही इज बैरिंग अ वॉच इन हिज हैंड अगर आपकी स्टोरी के अंदर उस वॉच का सिग्निफिकेंस है तो बताओ वरना इतनी अननेसरि डिटेल्स देख के डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द रीडर टाइम एंड इंटरेस्ट ऑफ द रीडर एंड इवन योर सेल्फ ठीक है नेक्स्ट चूज द टॉपिक्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डो नॉट मेक द स्टोरी लेंदी ठीक है अब इसका मतलब क्या है ऐसी स्टोरीज लिखिए जो रीडर को इंटरेस्ट करें राइट वो उसको फेवर करें स्टोरीज और नेक्स्ट क्या है इतनी भी लेंदी स्टोरी मत लिखिए कि कोई पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए राइट नाउ दीज आर सैम्पल स्टोरीज नोटिस हाउ द फ्रेम्ड अराउंड द गिवन हिंग्स ठीक है तो देखिए अभी आपको दे रखा है

He climbed a tree without thinking about his companion. देखिए अब हम ये story खुद लिख रहे हैं यहाँ तक हमने क्या लिखा कि वो दो friends थे वो एक expedition में गए थे जब वो उस expedition पर उस dense forest में थे वहाँ पर उनको एक bear दिख गया Right, वो देख के वो बहुत ज्यादा डर गए जो उनमें से एक friend था वो बहुत selfish था तो उसने क्या किया Yes, उस selfish friend ने वो जल्दी से जाके tree पे climb कर गया so that वो bear से बच पाए थिंकिंग अबाउट हिस्स कंपेनियन मतलब अपने दूसरे दोस्त के बारे में उसने सोचा ही नहीं अब हमने यहाँ तक पढ़ा अब हमारा माइंड कह रहा है कि और आगे फिर क्या हुआ तो आपकी स्टोरी के अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए जब पर्सन रीड कर रहा है तो वो फीलिंग आनी चाहिए कि क्या हुआ इसके बाद लोगों को जानने का मन करना चाहिए ठीक है ही लेम ग्राउंड एंड रीच द स्पॉट एंड स्नेक्ट द बॉय फ्रॉम टॉप टू वोट सो वॉट है क्या किया जो मैन नीचे खड़ा था उसको स्मेल करा ऊपर से लेके नीचे तक एक स्मेल दिया बिकॉज वाई क्यों बेयर ने स्मेल किया मैन को क्योंकि एनिमल्स की हैबिट होती है कि जब वो किसी न्यू पर्सन को देखते हैं तो वो पहले उस पर्टिकुलर uh, पर्सन के फीट को स्मेल करेंगे राइट इवन डॉग्स ही कंसिडर हिम कॉप्स एंड वेंट द बॉय ऑन द ट्री climbed down and informed his friend that the bear had gone he asked his friend why did the bear repeating the line he asked his friend what did the bear say in your ear he replied that the bear advised him to be aware of the false friends the boy felt ashamed and kept mum